हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस का ये सेवेंथ लेक्चर है और पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में आपको मैंने बताया नेबला, लाप्लासियन ऑपरेटर नेबला स्क्वायर और एक स्पेशल ऑपरेटर आपको हमने बताया था वेक्टर ए डॉट नेबला। उसके बाद फिर ग्रेडियंट ऑपरेटर बताया, डाइवर्जेंस ऑपरेटर बताया, कर्ल ऑपरेटर बताया और अब हम बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देखो, यदि आपने ये पहला वीडियो मेरा वेक्टर कैलकुलस का देखना शुरू किया है और तो इसके जस्ट पहले वाला डिफरेंशियल ऑपरेटर वन जरूर देख लें, तभी आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल बखूबी समझ में आएगा। वैसे तो आप पहले से देखना शुरू करें, लेकिन यदि डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल सीखना चाहते हैं केवल, तो आप सिक्स्थ वीडियो हमारा जरूर देखें, वेक्टर कैलकुलस सिक्स, उसको देख लें। उसके बाद तब वेक्टर कैलकुलस का सेवन्थ वीडियो आप पूरा देखें और आपके तब समझ में आएगा। अब ग्रेडियंट को हमने डिफाइन किया था, डाइवर्जेंस को डिफाइन किया था, कर्ल को डिफाइन किया था। अब हम दो रिजल्ट डिफाइन करने जा रहे हैं। रिजल्ट वन, डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज इक्वल टू सिग्मा आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स और वेक्टर ए, ऑपरेटेड ऑन वेक्टर ए। ये रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस दिखाएंगे हम, सिग्मा आई डॉट डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू सिग्मा आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स। वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए आप, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ये सिग्मा का कार्यक्रम समझते रहिएगा, एकदम किनारे ए है उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, फिर इस ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट कराओ, जो आएगा आई के साथ डॉट करो, सिग्मा लगाओ, ऐसे वन बाई वन इधर से ऑपरेट करते चलते हैं। इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप डॉट, इसे लेकर के अंदर घुसिए, डेल ए वन अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ए टू अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स के कैप। अब आई से डॉट करोगे तो पहला टर्म केवल बचेगा, आई डॉट आई वन होता है, आई डॉट जे जीरो होता है, आई डॉट के जीरो होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा डेल ए वन अपॉन डेल एक्स। क्या इसे आप पहचान रहे हैं? डाइवर्जेंस ए की वैल्यू है, ये किसी और के नहीं, डाइवर्जेंस ए की वैल्यू है। नोट, देखो सबसे दाहिने इधर क्या लिखा है वेक्टर ए, इधर सबसे दाहिने क्या है वेक्टर ए, तो इस वेक्टर ए क्वांटिटी को हम हटा दें तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस आएगा, डाइवर्जेंस ऑपरेटर इक्विवेलेंट हो जाएगा किस ऑपरेटर के, सिग्मा आई डॉट डेल बाई डेल एक्स। ये भी आपको दिमाग में रखना है। जहां हम सिग्मा यूज करेंगे जिस एग्जाम्पल में, उसमें हम डाइवर्जेंस के लिए इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे सिग्मा। ऐसे ही कर्ल के लिए भी एक रिजल्ट बनता है, रिजल्ट टू। हम बड़ा सम्मान देके इनको हम लिख रहे हैं, स्टार स्टार भी लगा दो भाई। कर्ल वेक्टर ए इज इक्वल टू सिग्मा आई क्रॉस डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स, इसे हम प्रूव करने जा रहे हैं। वैसे ही जैसे अभी किया आपने, राइट हैंड साइड से शुरुआत करिए, सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स इक्वल टू सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। और ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप क्रॉस, इसे लेकर के अंदर चलिए।
डेल ए वन अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ए टू अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स के कैप इक्वल्स टू सिग्मा। कुछ कंजूसी करेंगे, जैसे आई क्रॉस आई वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे, आई क्रॉस आई जीरो होता है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, डेल ए टू अपॉन डेल ए टू अपॉन डेल एक्स आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे हम लिख दे रहे हैं, प्लस नेक्स्ट डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स विथ आई क्रॉस के, ये रहा इक्वल्स टू सिग्मा। डेल ए टू अपॉन डेल एक्स आई क्रॉस जे के होता है और आई क्रॉस के माइनस जे होता है, माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स जे कैप। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस पूरे चैप्टर में सिग्मा अगर लिखा हुआ है तो समझिए सिग्मा किस पर लगा हुआ है, फर्स्ट टर्म पर, और ये सिग्मा हटाएंगे तो ऐसे ऐसे तीन ब्रैकेट्स का सम होगा, तीन है ना, तीन पदों का योग, माने सिग्मा पहला पद, फर्स्ट टर्म पे सिग्मा लगा दिया तो सम ऑफ थ्री टर्म्स। तो जब इस सिग्मा को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे तीन ब्रैकेट्स का सम आएगा। पहला ब्रैकेट कौन होगा, ये खुद ध्यान से समझिएगा सिग्मा का ये जो मैथमेटिक्स है, पहला ब्रैकेट ये खुद होगा डेल ए टू अपॉन डेल एक्स के कैप माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस, खूब बढ़िया समझिएगा। अब इस ब्रैकेट को हम ऐसे घुमाएंगे, माने ए टू की जगह ए थ्री हो जाएगा, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, के की जगह आई हो जाएगा, ए थ्री की जगह ए वन हो जाएगा, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, जे की जगह के हो जाएगा। ये घूमने वाले सब ऐसे घूम रहे हैं, आई जे के, आई को जे से कर देंगे, जे को के कर देंगे, के को आई कर देंगे, इसी प्रकार से एक्स वाई जेड घूमेगा। और घूमने वाले कौन है, ए वन ए टू ए थ्री, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन की जगह ए टू कर देंगे, ए टू की जगह ए थ्री कर देंगे, ए थ्री की जगह ए वन कर देंगे, साइक्लिकली रोटेशन करेंगे, साइक्लिक रोटेशन, चक्रीय क्रम में घुमाएंगे। तो चलो घुमाओ भाई, इस ब्रैकेट को घुमाने से सेकंड टर्म मिलेगा, बोलो ए टू के बाद ए थ्री, डेल ए थ्री अपॉन एक्स के बाद वाई, डेल वाई के बाद, हाँ ना झटके में समझ में आते, यहाँ देख लो के बाद कौन आएगा आई, माइनस ए थ्री के बाद ए वन, एक्स के बाद वाई, जे के बाद के, ये रहा प्लस। अब देखो बच्चा इसको घुमाओगे तो तीसरा टर्म मिलेगा, घुमाओ ए थ्री के बाद ए वन आएगा अपॉन वाई के बाद जेड, आई के बाद जे, माइनस डेल ए वन के बाद ए टू अपॉन डेल जेड आई कैप, ये रहा। अब आप क्या करिए, आई का टर्म एक साथ, जे का टर्म एक साथ, के का टर्म एक साथ कर दीजिए, इक्वल टू पहले आई वाला लिखिए, ये है डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई, और ये माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड आई कैप। बकिया टर्म ना लिख करके हम सिग्मा लगा दिए, ए सिग्मा है, और अगर आप पहचानिए ये क्या चीज़ है, ये कर्ल ए है, कल आपको हम बताए थे, दिस इज नथिंग बट कर्ल वेक्टर ए, तो ये प्रूफ हो गया। अब आप देखें इसमें बिल्कुल दाहिने किनारे ए है, इसमें बिल्कुल किनारे ए है, तो इस ए को, इस ए को हटा दीजिए तो एक ऑपरेटर इक्विवेलेंस मिलेगा आपको। ऑपरेटर इक्विवेलेंस माने कि फलाने ऑपरेटर फला ऑपरेटर के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये रोटेशन कर लिया करो, ना समझ में आए तो ऐसे चित्र बना लिया करो रफ कॉपी पे, देख देख के करो, समझ जाएंगे जिस दिन उस दिन आपको बहुत मजा आएगा घुमाने में गोल गोल। नोट, कर्ल ऑपरेटर इक्विवेलेंट हो गया सिग्मा आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। तो जब भी हम कर्ल के एग्जाम्पल में सिग्मा नोटेशन यूज करना चाहेंगे तो ये बहुत काम आता है ये डेफिनेशन।
इसके बाद सोलिनाइडल वेक्टर लिखिए। सोलिनाइडल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो। अ वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर इज सेट टू बी अ सोलिनाइडल वेक्टर इफ इट्स डाइवर्जेंस इज जीरो। माने डिप वेक्टर ए इक्वल टू जीरो। जीरो क्या लिखें? स्केलर की वेक्टर। अब आपको मालूम होना चाहिए इसका नेचर क्या होता है। स्केलर होता है तो स्केलर जीरो लिखाएगा। इररोटेशनल वेक्टर, इररोटेशनल वेक्टर 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 ए इज सेट टू बी एन इररोटेशनल वेक्टर, इररोटेशनल वेक्टर इफ इट्स रोटेशन इज जीरो। रोटेशन को ही कर्ल कहते हैं। इफ कर्ल वेक्टर ए इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कैसा होगा? वेक्टर जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कर्ल ए का नेचर वेक्टर होता है। तो यही है भैया, बहुत संभल के लिखना है सब। कौन सा ऑपरेटर स्केलर के लिए डिफाइंड है, कौन सा ऑपरेटर वेक्टर के लिए डिफाइंड है। ग्रेड फाई, डिव वेक्टर ए, कर्ल वेक्टर ए, इन तीनों में कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ी हचपच की स्थिति हो जाती है। अगर हम एक कंपेरिजन चार्ट बना लें और उस चार्ट को दिमाग में किसी तरह से हम प्रिंट कर लें तो काफ़ी सहूलियत मिलेगी आपको। जब भी एक जैसे दो या तीन रिजल्ट हों, बातें हों, तो उनका कंपेरिजन चार्ट जरूर बना लेना चाहिए। कंपेरिजन चार्ट सारी बातों को एक साथ याद करने में आसानी पैदा करता है। तो चलिए हम कंपेरिजन चार्ट बनाते हैं। एक हम लिख लें ग्रेडियंट, एक डाइवर्जेंस और एक कर्ल। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, रोटेशन, जिसे कर्ल भी कहते हैं। पहली बात, इट इज डिफाइंड फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो स्केलर, चलो स्केलर फंक्शन भी लिख देते चलता। स्केलर पॉइंट फंक्शन इट इज डिफाइंड फॉर वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन इट इज डिफाइंड फॉर वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये पहली बात है। अब ये कंपैरिजन हो गया ना, कंपैरिजन हो गया, एक साथ आप पढ़ रहे हो। अब डिफाइन होने के बाद क्या नेचर होगा ये बाद में लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखा जाए ना। ग्रेड फाई, ओरिजिनल डेफिनेशन लिख रहे हैं, इक्वल टू नेबला फाई। डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज इक्वल टू नेबला डॉट वेक्टर ए। कर्ल वेक्टर ए इज इक्वल टू नेबला क्रॉस वेक्टर ए। डी फॉर डाइवर्जेंस, डी फॉर डॉट, सी फॉर कर्ल, सी फॉर क्रॉस। ये देखिए इन दोनों का तो कंपेरिजन बड़ा अच्छा हो रहा है, और डॉट क्रॉस प्रिजर्व्ड है तो इसमें जो है बीच में कुछ नहीं रहेगा, कोई साइन नहीं। ठीक, अब कंपोनेंट फॉर्म लिखा जाए। ग्रेड फाई इज इक्वल टू, याद है आपको, सिग्मा आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स। डाइवर्जेंस वेक्टर ए इक्वल टू सिग्मा डेल ए वन अपॉन
डेल एक्स और कर्ल वेक्टर ए इज इक्वल टू सिग्मा डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड आई कैप। कर्ल वाला जरा हम चेक कर लें, हमको लग रहा है कि बिल्कुल सही लिखा हूं मैं, फिर भी चेक कर लेना ठीक रहेगा। डेल उल्टा लिख दिया ना मैंने, सीधा है, सही तो है। डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई ठीक है माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड। देखो शुरुआत केवल अगर आपको ध्यान हो, बस अगर आप ए थ्री याद रख लें किसी तरह से, तो देखो ए थ्री माने तीसरा सिंबल और इधर दूसरा सिंबल है। ए थ्री तीसरा सिंबल है तो एक्स वाई जेड का दूसरा सिंबल है। ए वन ए टू ए थ्री में दूसरा सिंबल है तो एक्स वाई जेड का तीसरा है, माने तीसरा दूसरा दूसरा तीसरा। और ये तीन दो दो तीन है, एक गायब है, तो ये वो एक यहां है, आई जे के का पहला सिंबल यहां, ऐसे याद कर लो किसी तरह से। और देखिए ग्रेड इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स, चलेगा? ये फाई हटा दिए इधर से, इधर से फाई हटा दिए। डिब इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा आई कैप डॉट डेल बाई डेल एक्स, अभी आज ही प्रूफ कराया इसको हमने। कर्ल इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये देखिए एक जैसा लिखावट है तीनों में, क्या फर्क है? डी फॉर डाइवर्जेंस, डी फॉर डॉट, सी फॉर कर्ल, सी फॉर क्रॉस, और ग्रेडियंट में इस केस के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहेगा। अब हम नेचर लिख रहे हैं कि ग्रेड फाई का नेचर क्या होगा, डाइवर्जेंस ए का नेचर क्या होगा, कर्ल ए का नेचर क्या होगा। ग्रेड फाई इज अ वेक्टर, डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज अ स्केलर, कर्ल वेक्टर ए इज अ वेक्टर। ये देखिए एक पॉइंट हम और बढ़ा देना चाहेंगे, कर्ल वेक्टर ए इक्वल टू जीरो वेक्टर इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय वेक्टर ए इज इररोटेशनल, इररोटेशनल। डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज इक्वल टू स्केलर जीरो इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय वेक्टर ए इज सोलिनोइडल, सोलिनोइडल। और इसको प्रूव करके आप देखोगे ग्रेड फाई इक्वल टू जीरो वेक्टर implies that and implied by phi is constant vector, phi is constant vector। इसका प्रूफ हम तुरंत बता दे रहे हैं, एकदम मौखिक दो लाइन का है। ग्रेड phi इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? I डेल वेक्टर a अपॉन डेल x प्लस j डेल वेक्टर ए अपॉन डेल वाई प्लस के डेल वेक्टर ए अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो वेक्टर। आई जे के फॉर्म में यदि कोई वेक्टर जीरो है तो ये तीनों कंपोनेंट्स जीरो होंगे, तीनों कंपोनेंट्स माने डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वेक्टर जीरो, डेल वेक्टर ए अपॉन डेल वाई इक्वल टू वेक्टर जीरो, डेल वेक्टर ए अपॉन डेल जेड इक्वल टू वेक्टर जीरो। डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स वेक्टर ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इट मीन्स वेक्टर ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, इट मीन्स वेक्टर ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। तो इन तीनों का मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए इज कॉन्स्टेंट, न तो ये एक्स पर निर्भर है, ना वाई पर निर्भर है, ना जेड पर निर्भर है, तो फिर कॉन्स्टेंट नहीं हुआ। तो ये हो गया, इसका प्रूफ हम बता दिए। तो ये कंपेरिजन चार्ट अगर आप दिमाग में बैठा लेते किसी तरह से, या इसको यदा कदा देखते रहते, तो कंपेरिजन होकर के सारी रिजल्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। मैं इनको मिटा रहा हूं। इसके बाद
वेक्टर आइडेंटिटीज हम देखेंगे। आइडेंटिटीज माने सर्वसमिका जो हमेशा सत्य हो। फार्मूला, फार्मूला किसी संदर्भ में, किसी रेफरेंस में सत्य होता है। यदि कोई फार्मूला हमेशा सत्य हो तो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी से मतलब सूत्र समझिएगा। तो कुछ फार्मूले हैं 5-6, उनकी लिस्टिंग करें पहले, फिर एक एक को प्रूफ करें। हम कह सकते हैं कि बुक से प्रूफ पढ़ लीजिएगा, लेकिन नहीं, प्रूफ हम पढ़ाएंगे क्योंकि उसी के बहाने हम आपको कुछ ट्रेनिंग देंगे। कुछ बातें और कर लें फिर आगे हम बढ़ें। रिजल्ट्स ऐसे लिख करके हम बतिया ले रहे हैं। नंबर एक, डेल बाई डेल एक्स कर्ल ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू कर्ल वेक्टर ए प्लस माइनस कर्ल वेक्टर बी। इसका प्रूफ देखिए आप। कर्ल ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, कर्ल ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। याद है कि नहीं? ये कर्ल है, इतना किस पर ऑपरेट करा दें, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब बस वही एक एक करके ऑपरेट कराते चलिए। इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप क्रॉस ब्रैकेट डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस डेल वेक्टर बी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स प्लस सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल वेक्टर बी अपॉन डेल एक्स। और अगर डेफिनेशन आपको याद हो गया हो तो पहचानिए, दिस इज कर्ल ए प्लस माइनस कर्ल बी। ये प्रूव हो गया। ऐसे ही नंबर टू, डाइवर्जेंस वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू डाइवर्जेंस वेक्टर ए प्लस माइनस डाइवर्जेंस वेक्टर बी। प्रूफ, डाइवर्जेंस वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑपरेटर इक्विवेलेंट होता है सिग्मा आई कैप डॉट डेल अपॉन डेल एक्स। और किसका डाइवर्जेंस? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी का। ये ध्यान रखिएगा, कर्ल, कर्ल की जगह ये लिखा गया है, याद है ना? और डाइवर्जेंस की जगह ये लिखा गया है, ये देखो। और बस ऑपरेट कर दीजिए। इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप डॉट ब्रैकेट डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस डेल वेक्टर बी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू सिग्मा I cap dot del vector A upon del x plus sigma I cap dot del vector B upon del x। यदि डेफिनेशन याद हो तो पहचानिए, दिस इज डाइवर्जेंस वेक्टर A प्लस माइनस डाइवर्जेंस वेक्टर B। उल्टा चल रहा है, पहले कर्ल वाला बताएं, फिर डाइवर्जेंस वाला, अब ग्रेडियंट वाला। फील करिए कितना आसान है जो आप पढ़ रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, सिग्मा वाला फार्मूला हम कहाँ पर लगाएंगे और सिग्मा वाला नहीं लगाएंगे कहाँ पे, वो सब बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल्स उठाएंगे जब तब। अभी तो बस ऐसी जनरल जनरल देखिए। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में सिग्मा वाले ही फार्मूले लगाए जाते हैं। नंबर तीन, ग्रेडियंट ऑफ फाइ प्लस माइनस साई, अब स्केलर लेना है, स्केलर इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाइ प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई। प्रूफ, ग्रेडियंट ऑफ फाइ प्लस माइनस साई इक्वल्स टू ग्रेड की जगह क्या लिखेंगे हम, सिग्मा आई कैप, यहां कोई साइन नहीं, न डॉट न क्रॉस, डेल अपॉन डेल एक्स, ये ग्रेड है, और ब्रैकेट में फाइ प्लस माइनस साई इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप ब्रैकेट
डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस माइनस डेल साई बाई डेल एक्स, आई से मल्टीप्लाई करो, सिग्मा उतार दो सबके ऊपर, सिग्मा आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस माइनस सिग्मा आई कैप डेल साई बाई डेल एक्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज ग्रेड फाई प्लस माइनस ग्रेड साई। ये एक ही जैसे रिजल्ट ग्रेडियंट के लिए, डाइवर्जेंस के लिए, कर्ल के लिए मैंने आपको बताया। डाइवर्जेंस कर्ल में तो और रिजल्ट नहीं होते, और कोई रिजल्ट अगर होता है तो वो सब आइडेंटिटीज में गिना जाएगा, लेकिन ग्रेडियंट में और भी रिजल्ट्स होते हैं, तो मैं नोट लगा के लिख दे रहा हूँ। नंबर एक, ये सम और एडिशन का हो गया, फिर मल्टीप्लीकेशन का है। ग्रेड फाई इंटू साई इक्वल्स टू ग्रेड फाई इंटू साई प्लस फाई इंटू ग्रेड साई, ये रहा। और नंबर टू, ये बहुत आसान है करना, यही डेल बाई डेल एक्स ही तो ऑपरेट कराना है। ग्रेड फाई बाई साई, कोसेंट रूल इसमें लग जाता है, नीचे साई स्क्वायर ऊपर साई ग्रेड फाई माइनस फाई ग्रेड साई, वही जो डिफरेंशियल के रूल होते हैं उसी जैसा ये भी है। इस पर कंडीशन लग जाए कि साई नॉन जीरो होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। ये जो नोट में हमने लिखा है दो रिजल्ट, इनके प्रूफ आप अपने से कर लीजिए, वेरी सिंपल, और अगर ना कर पाए तो आप बुक से देख लीजिए, बहुत सिंपल, इसमें क्या हम बताएं। वेक्टर आइडेंटिटीज, मुझे लग रहा है वेक्टर आइडेंटिटीज हम उठाएंगे तो वीडियो साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को यहीं रोकें, और उससे बेहतर है कि मैं आपको सोलेनोइडल सोलेनोइडल वेक्टर और इररोटेशनल वेक्टर का एक एक एग्जांपल दे दूं। कर्ल वेक्टर आर जीरो वेक्टर होता है, एक तो ये एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, ऐसा करते हैं पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल की पढ़ाई। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट आप क्या लिखते हो, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, स्केलर आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, तो हम आर स्क्वायर इक्वल टू लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आइए हम कुछ चीजों को निकालें। ग्रेडियंट किसका निकलता है, स्केलर का, तो चलो हम ग्रेड स्केलर आर निकालते हैं। ग्रेड आर इक्वल टू सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स और आर। इस रिजल्ट को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा,
टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस जीरो प्लस जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव है ना। पार्शियल डेरिवेटिव जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई और जेड को कांस्टेंट समझते हैं। टू टू कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाई आर, ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, सिग्मा आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा, एक्स बाई आर इक्वल टू एक्स आई कैप अपॉन आर प्लस वाई जे कैप अपॉन आर प्लस जेड के कैप अपॉन आर। ये सिग्मा नोटेशन आप समझ रहे हैं ना, सिग्मा हमेशा फर्स्ट टर्म पे लगता है। सिग्मा हटाने का मतलब जिस पर सिग्मा लगा है वो पहला टर्म, दूसरा मिलेगा पहले को घुमाने से, तीसरा मिलेगा दूसरे को घुमाने से। देखो एक्स की जगह वाई, आई के बाद जे, वाई के बाद जेड, जे और जे के बाद के, आर घूमना नहीं है। आर देखो आर की वैल्यू में एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स रख दोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर तो वही आ गया। तो ये जो घुमाने वाली बात है ना, इसके लिए आर इनवेरिएंट है, अपरिवर्तनीय है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर, इट इज नथिंग बट वेक्टर आर अपॉन स्केलर आर विच इज आर कैप। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको मान के चलिए, ये आपको याद होना पड़ेगा, कहीं भी आएगा हम तुरंत लिख देंगे। ग्रेट स्केलर आर इज इक्वल टू आर कैप, मिटा रहे इसको। अब हम डाइवर्जेंस निकालने जा रहे हैं। डाइवर्जेंस किसका निकलता है, वेक्टर का। नंबर टू, डाइवर्जेंस वेक्टर आर इक्वल टू, डाइवर्जेंस माने सिग्मा आई डॉट डेल बाई डेल एक्स, ये होता है डाइवर्जेंस। और बगल में क्या लिख दें, आर इक्वल टू सिग्मा आई डॉट डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स, इस ऑपरेटर को पहले इस पे ऑपरेट कर दिया, इक्वल टू सिग्मा आई डॉट वेक्टर आर का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां पे आ जाएगा वन आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, यानी आई कैप। अब सिग्मा को हटा दो, पहला टर्म कौन होगा, आई कैप डॉट आई कैप प्लस, दूसरा कौन होगा, इसे घुमाइए, आई की जगह जे हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप प्लस, फिर घुमाइए इसको, के कैप डॉट के कैप, दिस इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन इक्वल्स टू थ्री। तीसरा, अब हम कर्ल निकालने जा रहे हैं इसी आर वेक्टर का। तो कर्ल में यही डॉट की जगह क्रॉस हो जाएगा, सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप क्रॉस, ये वेक्टर आर है आई कैप, इक्वल टू आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू वेक्टर जीरो प्लस वेक्टर जीरो प्लस वेक्टर जीरो इक्वल टू वेक्टर जीरो। तो जिस वेक्टर का कर्ल जीरो आ जाए वही इररोटेशनल होता है, यानी कि इस पर एक हम नोट लगा दिए कि जो वेक्टर आर है ये इररोटेशनल वेक्टर है, क्योंकि इसका रोटेशन जीरो आया है, इज एन इररोटेशनल वेक्टर, इज एन इररोटेशनल वेक्टर। ऐसा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर आइडेंटिटीज। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक जरूर कर दें, चैनल की आप आज तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।